कि राजस्थान से छुट्टियां मनाना बंद कर, विदेशों से जाके शराब पीना बंद कर, इत्थे दे कानून अवस्था नू हालात नू सुधार करो। इंडस्ट्री चक चक के बाहर भजी जा रही है। कह रही है तू पंजाब नू सांभो, लोगों के घर तक नशा पहुंचे हुए है। जी कट्टर ईमानदार सरकार कहती थी, आज इन्हें ईमानदारी का सबूत देख लो। कदे एक मंत्री नू कटता, कदे दूजे नू कटता भ्रिष्टाचार करके, लेकिन परचा कि दर्ज किया है, जेल किनू की है, तो उ तुरे फिरते हैं। ये ड्रामेबाजी नहीं चलूगी। ये थोड़े चुटकले जे तोतले जे चलते सी जब फिल्मों से एक्ट करते सी, हुण थोड़े उत्ते वड्डी जिम्मेवारी है। उन्होंने जिम्मेवारियों नू सांभो। मैं पूछना चाहती हूँ, फौजा सिंह सरारी की ऑडियो तो 3 महीने पहले जग जाहिर हो गई सी। ये 3 महीने सुत्ता पिया सीगा, छुट्टी तो राजस्थान से हुण मना के आया है। राहुल गांधी इतने जिते मर्जी जान, पहले तो उन्होंने मैं पूछांगी, जेडे उन्होंने दादी जी ने साढ़े टैंका धोपा के नाल अमृतसर साहब से हमले किए थे, वो बारे वो की कहते हैं? वो बाद उन्होंने पिता जी ने जो सिखा के कतले आम किए हैं, वो बाद राहुल गांधी की की कही कहना है? तो वो बाद मैं आ भी पूछांगी कि आज बहुत वड्डा मुद्दा जिहड़ा इस वाले साडा पानी खोन का सारा यह सिस्टम चल रहा है, तो राजस्थान में साडा पानी खो के रिपेरियन सिद्धांत जिस सूबे तो पानी वगदा है, सब तो पहला हक सिर्फ उन्हों का होंगे है। पल्ले दुनिया च एक सूबा पंजाब जिथे साडा हक खो के राहुल गांधी जी की दादी ने चक के साडा पानी राजस्थान नू देता, उहदे बाद हुण यह गहलोत ते यह हुड्डा ते बाकी आ सारी सरकारां भाजपा यह सारा रल मिल के हुण एस वाई एल की देन भी इंदिरा गांधी की सी, जिन्हें दबाव पा के ये एस वाई एल की नहर बने। बादल साहब ने तो चक के नहरा की जमीन भी वापस देती थी किसानों को कि ना कदे नहर बनूगी तो ना ही असी सुक्का पानी जान देवांगे। तो हुण भगवंत मान, आम आदमी पार्टी, ये सारे पंजाब के हक, हरेक हक नू कमजोर, भावें चंडीगढ़ का हक होए, भावें भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड च अपना बंद होए, भावें अद्धा पंजाब DSF के हवाले करना होए, या फिर एस वाई जे बार बार जाके कदे केंद्र मंत्री जिहड़ा राजस्थान तो हैगा उन्हें इंसाफ पंजाब नू देना हैगा। कदे केंद्र मंत्री नाल मीटिंग करदा, कदे खट्टर साहब दे नाल करदा, कदे किसे दे नाल करदा मीटिंग, कदे तुहाडी प्यो जायदाद दी जमीन च जे आंढी गवांढी कहन कि सानू भी हिस्सा दे दो, तुसीं उहनां दे नाल मीटिंग करोगे कि डांगा नाल भजा दोगे? इन्हां नू तां सत श्री अकाल बुला के, जिवें बादल साहब ने कहा, ना कोई मीटिंग करनी है, ना तुहानू 1 इंच जमीन देनी है, ना इस वाल बनूगा, ना टुक्का पानी दा जाऊगा, तां मीटिंगां की करदा फिरदा हैगा? सो हर पक्षों पंजाब नू कमजोर किया जा रहा है। इनू बेनती है कि राजस्थान से छुट्टियां मनाना बंद कर, विदेशों से जाके शराब पीना बंद कर, तो इत्थे दे कानून अवस्था नू हालात नू सुधार करो। इंडस्ट्री चक चक के बाहर भजी जा रही है। एक समय से जिते यूपी बिहार के बंदे आके पंजाब से काम करते सी, हुण पंजाब दी पुरानी इंडस्ट्री चक चक के यूपी जा रही है, कोई जम्मू कश्मीर जा रही है। तो पंजाब नू सांभो, लोगों के घर तक नशा पहुंचे हुए है। जिहड़ी कट्टर ईमानदार सरकार कहती थी, आज इन्हें ईमानदारी का सबूत देख लो। कदे एक मंत्री नू कटता, कदे दूजे नू कटता भ्रिष्टाचार करके, लेकिन परचा कि दर्ज किया है, जेल किनू की है, तो उ तुरे फिरते हैं। ये ड्रामेबाजी नहीं चलूगी। ये थोड़े चुटकले जे तोतले जे चलते सी जब फिल्मों से एक्ट करते सी, हुण थोड़े उत्ते वड्डी जिम्मेवारी, उन्होंने जिम्मेवारियों सांभो। गरीबों के आके हालात देखो, किसानों के हालात देखो, बेचारे मुलाजमान के हालात देखो, सारे जने सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो पंजाब के हालात बहुत ही चिंता वाले है। नौजवान छड़ छड़ बाहर जाई जा रहे हैं, विदेशों वाल भज रहे, सब तो बाद मेरे हल्के बठिंडे को जा रहे हैं कि इत्थे दे MLA, इत्थे दी सरकार, इत्थे दा मुख्यमंत्री इन्ना सिरी बन गया केजरीवाल का कि पंजाब नू नहीं सांभ सकता। जे नहीं सांभ सकता तो जिन्हें एक मौका मंगया सी उन्हों ही आके जाके कह दो कि पंजाब नू साडे नू बचा लो, इस तो पहले कि पंजाब नष्ट हो जाए। मैं पूछना चाहती हूँ, फौजा सिंह सरारी की ऑडियो तो 3 महीने पहले जग जाहिर हो गई सी। ये 3 महीने सुत्ता पिया सीगा, छुट्टी तो राजस्थान से हुण मना के आया है। तो फौजा सिंह सरारी की ऑडियो सामने है जिहड़ा कहिंदा सी मैं तो एक हॉटलाइन चलाई है कि कोई भी करप्शन का मुद्दा होए तुसीं उह हेल्पलाइन से फोन करो, तो हेल्पलाइन तो ब्लॉक हो गई क्योंकि इन्ने फोन आए सी। तो इहदी तो ऑडियो सी, अजे जेल तो बाहर क्यों बैठा है? इहनू पार्टी तो क्यों नहीं कढ़िया? इहदे उत्ते परचा क्यों नहीं कीता? वह जिहड़े दूजे सिंगला सीगे मानसे दे जिहनू कढ़िया सीगा, उह वही तुरी फिरदे ने। तो फिर यह सारे ड्रामेबाजी बंद करने की लड़ है। जब भी कोई जरूरी मुद्दा आता है, जाके मीटिंग कर रहे शेखावत के नाल पानिया दे के लोगों का ध्यान भटकाने वास्ते मंत्री को हटा दिया। मंत्री को हटाने के नाल भ्रष्टाचार खत्म हुई है, तो मंत्री के उत्ते एक्शन की लेता है बच्चे, तो यह सारे ड्रामे बंद करो। 9 महीने 10 महीने इन्हों का साल पूरा होने लग गया है। सेहत मंत्री बदलने के नाल पंजाब की सेहत से की सुधार होया है? जेड़ा कदे कहिंदा सी मोहल्ला क्लीनिक खोलांगा,
ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਮਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ।